एक्सपायरी होनी है, मंथली एक्सपायरी, उससे एक दिन पहले का पेनल्टीमेट सेशन है, तो लिहाज से सेशन की इंपॉर्टेंस है। और रोज मैं आपसे कहता हूं कि महाराष्ट्र के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में नजर रखिएगा, उस पर रिएक्ट करना है। और आज तो काफी सारे डेवलपमेंट्स हैं जिन पर हमें वाकई रिएक्ट करना है, जैसे अजीत पवार साहब डिप्टी सीएम पद से रिजाइन किया, वो बाजार के दौरान आया, पर फडणवीस साहब मौजूदा सीएम, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बाजार बंद होने के बाद हुई। अब सब बड़ा क्वेश्चन मार्क कि कल क्या फ्लोर टेस्ट होता है या नहीं होता। फ्लोर टेस्ट होता है तो कौन अपनी मेजोरिटी प्रूव करने के लिए फ्लोर टेस्ट करेगा, क्या महाविकास अघाड़ी फ्लोर टेस्ट में अपनी मेजोरिटी प्रूव करेंगे, ये सब क्वेश्चन मार्क्स हैं जो अभी भी जिनके आंसर्स की तलाश है। तिलक नगर इंडस्ट्रीज, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, इनकी बोर्ड मीटिंग्स हैं फंड रेजिंग के लिए, और यूएस में कुछ इंपॉर्टेंट आर्थिक आंकड़े आएंगे, पर वो कल देर शाम आने, जैसे कि Q3 का एडवांस एस्टिमेट, जॉबलेस क्लेम्स की रिपोर्ट, वो भी कल के लिए इंपॉर्टेंट आंकड़े होंगे जिस पर बाजार फोकस करेगा। तो बहुत सारे आंकड़े हैं जिनके ऊपर हम नजर रखें, और ये बात लगातार आशीष कहते भी आ रहा है कि महाराष्ट्र की स्थिति के ऊपर नजर रखें, और एक और दिन जबकि आपको नजर रखनी होगी, लेकिन आप ये ना भूलें कि बाजार में नए हाईज का सिलसिला भी